हैं वो ऊपर सीढ़ियों से। तो वैसे ही सबकी ऑक्सीजन लेवल का बहुत बुरा हाल है। कम से कम 500 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। वेलकम बैक गाइस टू द डे 2 ऑफ ले लद्दाख ट्रिप। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग बस अब नाश्ता करने जा रहे हैं और उसके बाद आज लोकल एरिया में घूमने का है। तो हमें 24 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं एक्यूमुलेटाइज होते हुए। कल काफ़ी लोगों की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, कई लोगों को ऑक्सीजन भी लगी, पर आज सब नॉर्मल लग रहा है। तो आप लोग जो भी प्लान करें वो सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आएँ कि आपको 24 घंटे तो एक्यूमुलेटाइज होना ही पड़ेगा और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आपको होटल वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो हम सब लोग तैयार हो चुके हैं दोस्तों और गाड़ी आ चुकी है हमारी और अब हम सब लोग निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। आज आसपास की जगह ही जाएंगे ताकि अभी थोड़ा और क्लाइमेटाइज हो जाए। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अराउंड 90 किलोमीटर्स का राउंड ट्रिप अभी लेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं देखते हैं। तो गाड़ी आ गया है हमारा टेम्पो, तो अब बस हम लोग बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं अपनी साइट सीइंग के लिए। हम गुजर रहे हैं इंडस रिवर के पास से, जो लेह से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे पत्थर साहिब गुरुद्वारा और व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक बार इस क्षेत्र में एक दुष्ट राक्षस रहता था, जिसने लोगों को आतंकित किया हुआ था। लोगों ने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक ने उनकी पीड़ा सुनी और वह नीचे नदी के किनारे बस गए, जहां से उन्होंने लोगों को उपदेश देकर आशीर्वाद दिया और क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए। स्थानीय लोग उन्हें नानक लामा कहते थे। यह देखकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसने गुरु को मारने के इरादे से पहाड़ी के नीचे एक बड़ा पत्थर धकेल दिया। पहाड़ी से नीचे आते हुए पत्थर ने गति पकड़ ली, लेकिन जब वह गुरु के शरीर को छू गया, वह गर्म मोम की तरह नरम हो गया और गुरु नानक की पीठ के खिलाफ रुक गया। यह सोचकर कि गुरु को मार दिया गया है, दानव नीचे आ गया और गुरु को ध्यान करता देख भौचक्का रह गया। उसने गुस्से में आकर पत्थर को अपने पैर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पत्थर में अभी भी गर्म मोम की तरह कोमलता थी और उसका पैर उसमें फंस गया। यह देखकर राक्षस को महान गुरु की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में अपनी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। वह गुरु नानक देव के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। इसके बाद दानव का जीवन बदल गया, उसने बुरे कर्मों को त्याग दिया और लोगों की सेवा करने लगा। हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम लंगर खाने जा रहे हैं, लंगर चालू होने वाला है। तो लंगर हो गया है हमारा और थोड़े लेट हो गए हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही अच्छा लंगर था और सभी को आना चाहिए पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ये है मैग्नेटिक हिल। तो हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिक हिल,
हम लोग ज़्यादा रुक नहीं रहे यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और यहाँ पे ये बाइक से बैठ के आपको ऊपर जाना रहता है। वो लोग जा रहे हैं कुछ, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, संगम। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। संगम लेह श्रीनगर राजमार्ग पर निम्बू में स्थित इंडस और जास्कर नदियों का संगम है। संगम स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा यहां एक रिवर राफ्टिंग पॉइंट है जहां एडवेंचर के शौकीन रिवर राफ्टिंग के रोमांच का अनुभव करने आते हैं। यह राफ्टिंग पॉइंट 16 किलोमीटर ऊपर से चालू होकर संगम पर आकर ख़त्म होता है। ये हम लोग जा रहे हैं संगम से अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे शॉपिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ से लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। आ गए अपने नेक्स्ट साइट सीन पे, मोनेस्ट्री पे। पीछे देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी हमें जाना है वो ऊपर सीढ़ियों से। और वैसे ही सबकी ऑक्सीजन लेवल का बहुत ही बुरा हाल है, तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। बाकी व्यू देखिए आप, बहुत शानदार। चलिए अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चलेंगे बहुत ही धीरे धीरे। मोनेस्ट्री देख लिए हमने, फ़ोटो हम लोग नहीं खींच पाए क्योंकि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था वहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के ही आगे एक और लोकेशन पे, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे।
हम लोग उतर आए, अब हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता उल्टा हो गया हमारा, गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है। जा रहे हैं शांति स्तूपा ऊपर पहाड़ी पे, कम से कम 500 सीढ़ियां हैं यहाँ पे। तो हम लोग आ रहे हैं शांति स्तूपा, शांति स्तूपा दिख रहा है, गाड़ियाँ आती हैं ऊपर तक। पहले भी आपको बोल रहे थे 500 सीढ़ियाँ पे टेंपल है। चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह। अब लौट रहे हैं, सभी साइट सीन हो गई है, तो आज के दिन का सारी साइट सीन हमने कंप्लीट कर ली है। अब वापस होटल जाएंगे, तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर और मिलते हैं तीसरे दिन में। पहुंच चुके खारडुंगला पास, बर्फ बर्फ बर्फ। अभी हम लोग 18,000 फीट से 16,000 फीट पे नीचे आ चुके हैं। सुंदर व्यू आ रहा है, चुके हैं भाग मिल्खा भाग की शूटिंग पॉइंट पे।